Hello everyone, here we are with our session 4, that is blogging. First of all, I would like to introduce myself. I am Pyusha, working in Blue Tick Creative as an assistant web developer. So let's start. Okay, so पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं सेशन में. मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, देन टाइप्स क्या है हमारी ब्लॉग्स के, और लास्ट चीज हम ब्लॉग क्यों स्टार्ट करना है, हम ब्लॉग्स क्यों बनाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हाट इज ब्लॉग? कॉमन नेम है, आप सबने सुना हुआ होगा. आजकल ट्रेंड में है, मेनली हर कोई बोलता है फूड ब्लॉगर है, ये भी मूवीज ब्लॉगर है, वेबसाइट ब्लॉगर है, कंटेंट ब्लॉगर है, मीन्स जो भी फील्ड है उन सब का एक ब्लॉगर है. तो ये ब्लॉगर है क्या चीज़, ये ब्लॉग्स है क्या चीज़, तो वो मैं आपको बताती हूँ. ब्लॉग्स क्या है? ब्लॉग्स कोई अलग चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट सिमिलर टू वेबसाइट, बट नॉट अ वेबसाइट. वेबसाइट से सिमिलर तो है बट वेबसाइट नहीं है. मीन्स वेबसाइट में हम क्या करते हैं, हमने जो भी वेबसाइट जब हमने बनाई तब हमने उसके अंदर कंटेंट डाला. मीन्स जो भी हमारा कंटेंट था, हमने वेबसाइट जिससे रिलेटेड बनाई, बिजनेस से रिलेटेड बनाई, तो हमने बिजनेस से रिलेटेड उसके अंदर कंटेंट डाल दिया. अब हमने आज कंटेंट डाला, आफ्टर 2-3 मंथ्स उसके अंदर एक अपडेट आ गया, तो हमने चलो वो चेंज कर दिया. बट टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं हम वेबसाइट के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो हमारा विजिटर है जो लगातार उसे पढ़ रहा है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है. मीन्स मैंने लास्ट मंथ तो बिजनेस की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अब बिजनेस की नई डेफिनेशन आ गई है, तो इससे क्या होता है ना, माइंड सेटलमेंट नहीं हो पाती. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ब्लॉग्स में क्या होता है, आप फ्रेश कंटेंट डालते हैं. मीन्स अभी आपने एक कंटेंट बनाया, एक ब्लॉग लिखा, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि व्हाट इज बिजनेस. अभी बिजनेस के ऊपर कि आपने डेफिनेशन उसके अंदर डाल दी, बट आफ्टर सम टाइम उस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हुए, तो आपने अनदर अगेन एक ब्लॉग उसके अंदर सेम उसके अंदर लिखा और उसके अंदर अगेन उसकी डेफिनेशन लिखी. तो इससे क्या होता है, जो हमारा पुराना कंटेंट था वो नीचे जैसे हमारा स्टैक होता है उसमें जाते रहते हैं, देन हमारा जो फ्रेश कंटेंट होता है वो ऊपर आता रहता है अकॉर्डिंगली. तो ये होता है हमारा ब्लॉगिंग. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लॉगिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कमेंट का. मींस जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है या उन्हें कोई डाउट है तो वो कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग. अब ब्लॉगिंग है तो जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ हम बिजनेस के रिगार्डिंग ही ब्लॉग्स बना सकें, डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग्स हो सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग आ जाती है. टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग से हमारे कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे. सबसे पहला टाइप मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, प्रोफेशनल ब्लॉग. मीन्स आपकी जो भी प्रोफेशनल फील्ड है, मीन्स अगर आपको प्रोफेशनलिज्म हर चीज में, आपको प्रोफेशनल, आपको अगर एडवोकेसी के ऊपर बनाना है तो आप एडवोकेसी के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है मीन्स एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड करनी है तो यू कैन. अब पर्सनल ब्लॉग्स भी लोग बनाते हैं, किसी को अपने बारे में लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी स्टोरी इंस्पायर्ड है, मैं किसी को कुछ, मेरी जो लाइफ स्टाइल थी उससे मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, तो उसमें हम पर्सनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम अपने बारे में लिख सकते हैं. देन नीचे ब्लॉगिंग. नीचे ब्लॉगिंग में क्या हो जाता है, आपका फूड्स वगैरह की ब्लॉगिंग आप कर लेते हैं. मीन्स आपको कहीं का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा यम लगा तो आपने उसके बारे में लिख दिया कि हाँ ये इस तरीके से बनाते थे, इनका इतनी ज़्यादा इनकी हाइजीनिश थी, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके उन्होंने फूड्स वगैरह बनाए थे, तो उसके बारे में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं. अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्टेड है तो आप ट्रैवल से रिलेटेड बना सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो लास्ट ब्लॉगिंग आती है वो ब्लॉगिंग हमारी होती है रिवर्स ब्लॉगिंग. रिवर्स ब्लॉगिंग
रिवर्स ब्लॉगिंग में क्या होता है, सिर्फ अकेला पर्सन ब्लॉग नहीं बनाता, उसमें ग्रुप होता है हमारे पास. मीन्स अगर मैंने मुस्कान आपसे कहा कि आपको वेबसाइट से रिलेटेड ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं, तो आप वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट्स बनाकर उस ब्लॉग पेज में डालेंगे. मैंने अर्जुन से कह दिया आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग डालेंगे. या मुझे ही अगर मान लो इंस्टाग्राम वगैरह या फिर फेसबुक रिगार्डिंग उन पे एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग ब्लॉग्स बनाने की, कैसे आप उस पे काम कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं. रिवर्स ब्लॉगिंग में क्या होता है हमारे पास, कि एक ग्रुप जो है हमारे, जो भी हमारा टीम है वो काम करता है उसके अंदर. तो सबसे बेस्ट आई थिंक मुझे रिवर्स ब्लॉगिंग लगती है. अकॉर्डिंग टू यू आपको जो ब्लॉग सबसे बेस्ट लगे आप उसमें काम कर सकते हैं. देन मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉग्स बनाए ही क्यों. अब हमारे पास वेबसाइट तो थी, हमें नहीं चेंज करना उसमें कंटेंट, हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपना काम. लेकिन हमें ब्लॉग्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करें हम ब्लॉग्स का यूज. तो व्हाई शुड वी स्टार्ट ब्लॉग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टार्ट ब्लॉगिंग. तो आप वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप वेबसाइट में टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं, लेकिन अगर एकदम से बराबर चेंज करते रहेंगे तो आपके विजिटर को प्रॉब्लम होगी. तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है ब्लॉगिंग का. हम ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, हमारे जो न्यू अपडेट्स आएंगे हम ब्लॉगिंग में डाल देंगे. उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन भी नहीं खराब होगा, हमारे पास जो पहले से वेबसाइट में जो कंटेंट था वो तो हमारे पास सेफ है ही, इम्पोर्टेंट था भाई तभी तो डाला है, और जो नई चीज़ें आई हैं वो हमने ब्लॉग्स के थ्रू ब्लॉग्स में डाल दी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट www.creative.com को ज़रूर विजिट करें. थैंक यू.